हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम। माय नेम इज़ विराज संगानी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल विराज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना किसी टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट के आप इंटरनेशनल टूर कैसे प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉरेन घूमना चाहते हैं तो बिना किसी टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट के आप अपने आप से अपनी ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। अब आप बोलोगे पागल है क्या भाई, अगर वहाँ पे गए टिकट कैसे बुक करेंगे, वीज़ा कैसे लेंगे, फिर वहाँ पे रुकेंगे कहाँ, हमें तो कुछ पता नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम, उससे अच्छा थोड़े पैसे टूर ऑपरेटर को दे दो तो वो हमारा सब सेट करवा के देगा। देखिए, ट्रैवल एजेंट कोई आपके चाचा का लड़का तो है नहीं, अगर होगा फिर भी आपसे कमीशन चार्ज करेगा ही, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पे भी फॉरेन में घूमने जा रहे हो तो आप अगर कोई साइट सीइंग के लिए गए हो या कोई जगह देख रहे हो, वहाँ पे आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर होता है, उसने आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, आपको उतने टाइम में वो प्लेस देख के आनी है। आपने ठीक से देखी है नहीं देखी है डजंट मैटर, बट अगर आप अपने हिसाब से प्लान करते हो तो आप उस जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने मुताबिक, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेगा, ये वीडियो ख़त्म होते होते आपके सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी टूर प्लान कर सकते हो, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, चलिए। और हाँ, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर ये वीडियो को बिल्कुल मत देखना, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे उन 7 पड़ाव के बारे में या 7 चैलेंजेस जो ज़्यादातर हमें इंटरनेशनल टूर प्लान करने से रोकती है। तो कौन से हैं वो 7 चैलेंजेस, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हमें उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है, हमें उस पड़ाव को पार कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए हर एक पड़ाव पे हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले आता है फ़्लाइट बुकिंग, सेकेंड वीज़ा, थर्ड एकोमोडेशन, वहाँ पर अगर आप गए तो आप रुकेंगे कहाँ पर, फोर्थ आता है ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इंटरनल ट्रांसफ़र, अगर आप कोई कंट्री में गए तो आप वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कैसे करोगे। फिर आता है साइट सीइंग, वहाँ पे देखने लायक क्या है, कहाँ पे जाना है पता नहीं। उसके बाद आता है फूड, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि हम जो इंडियन लोग होते हैं हमें इंडियन खाना पसंद आता है, और जो वेजिटेरियन होता है स्पेशली उन्हें वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको वेज होटल कैसे ढूंढनी है, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको वहाँ पर कैसे ढूंढनी है। फिर आता है लैंग्वेज, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलते, और अगर बोलते भी होंगे तो वो पढ़े लिखे या अगर कोई हायर लेवल पे जो है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं, जो रास्ते पे जो वेंडर्स होते हैं जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं उन लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उन लोग से हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर हम बारी बारी बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसे कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। बुकिंग फ्लाइट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल प्लानिंग, बिकॉज फ़्लाइट के जो रेट्स हैं और उसका टाइम है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका पूरा बजट डिपेंड करता है, क्योंकि एक फ़्लाइट एक ही टाइम पे आपको 10,000 भी रेट दिखा सकती है और 50,000 भी रेट दिखा सकती है। तो आपको उसको बहुत ही स्मार्टली बुक करना है। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डेट्स डिसाइड करनी है कि आप कौन से डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशंस अवेलेबल है, एक है मेक माई ट्रिप जो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, और दूसरी है गो आई बीपो। ये दोनों ही ऐप मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है। ये दोनों ही ऐप बहुत अच्छी है, अगर आपको कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो ये आपको सारा बुकिंग आपका आप ये इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको और काफ़ी अच्छी ऑफर्स रहते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है फ़्लाइट्स में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जाना है बैंकॉक, ठीक है, तो बॉम्बे से बैंकॉक। अब पहले मैं देखूंगा कि मेरा ट्रैवल डेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल डेट है 1 जुलाई 2020 to 10 जुलाई 2020। कोई भी एक टेंटेटिवली डेट सिलेक्ट करनी है आपको, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर। वहाँ पर आपको देखना है कि 1 से 10 तारीख में कौन से दिन पर आपको सबसे कम रेट में फ़्लाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, फॉर एग्जांपल सब जो जितने भी रेट्स है सारे सेम है, तो मैं 1 तारीख को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि बैंकॉक से मुंबई के लिए 1 से 10 के बीच में कौन से दिन को फ़्लाइट के रेट सबसे कम है। ऑलमोस्ट सेम है, चलिए मैं 8 तारीख सिलेक्ट करता हूँ। मैं 1 वीक के लिए प्लान कर रहा हूँ इंडिया से थाईलैंड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेट्स डालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, राउंड ट्रिप पे जाना है, यहाँ पे डेट डालनी है 1st और यहाँ पे 8th, ठीक है, ओके करना है।
इसके बाद मुझे सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ़्लाइट्स के ऑप्शंस दिखेंगे, अलग अलग कंपनी के फ़्लाइट्स हैं। अब आपको सबसे सस्ती वाली फ़्लाइट चाहिए तो आपको यहाँ पे चीपेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको जल्दी से जल्दी पहुँचने वाली फ़्लाइट चाहिए तो आपको शॉर्टेस्ट पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे मैं चीपेस्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको इंश्योरेंस चाहिए या नहीं, मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। और ये सिलेक्ट एन ऑफ़र, इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑफर्स दिखेंगी या अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिससे आपको फ़्लाइट पे डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे मैं ट्रैवलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये चार्जेबल है। उसके बाद डायरेक्टली मैं ये पेमेंट के पेज पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे मुझे पेमेंट दिखा रहा है 14,641। अगर इसको मैं आगे पे करूँगा तो फिर मेरी फ़्लाइट टिकट्स बुक हो जाएंगी। तो जैसे हम लोग ने देखा कि आपको फ़्लाइट टिकट्स बुक करना कितना ईजी है, इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, इसके लिए मैं और एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दो प्रोसेस है, या तो आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या तो फिर आप वहाँ पे जाके वहाँ के एयरपोर्ट पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। तो दुनिया में ऐसे 47 कंट्रीज़ है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, जिसमें से 22 कंट्री ऐसी है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, यानी कि फ्री वीज़ा है इंडियंस के लिए। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी कंट्री सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री है या फिर वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, ताकि आपको यहाँ से वीज़ा लेके जाने की मगजमारी नहीं। और अगर आप कोई ऐसी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको यहाँ से वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, तो वो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसको वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादातर हम इंडियंस क्या करते हैं कि हम वहाँ पे जाके महंगी होटल में रुकते हैं, 3-स्टार 4-स्टार। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप होटल में वहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप घूमने जा रहे हो, आप सुबह से लेकर रात तक घूमते हो, आप रात को होटल में आके सो जाते हो, आपको इतनी लग्जरी होटल की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे पैसे बचाओ, उतने पैसे आप घूमने में लगाओ, या फिर वो पैसे बचाओ आप एटलीस्ट। वो कैसे बचाओगे? वहाँ की 1 या 2 स्टार होटल भी यहाँ की 3 स्टार होटल के बराबर है। तो आप महंगी होटल के पीछे बिल्कुल ना जाए, सस्ती होटल बुक करें, वहाँ पे पैसे बचा सकते हैं आप। सस्ती होटल कैसे बुक करते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बजट के होटल ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आपको गो आईबीबो ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको जाना है होटल्स में। वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, इंडिया और इंटरनेशनल। आपको इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। मैं सर्च करता हूँ बाली। बाली इंडोनेशिया का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हनीमून स्पॉट है। यहाँ पे मुझे ट्रैवल डेट्स डालनी है, मैं डालता हूँ 12 से लेकर 18 तक। 1 रूम 2 एडल्ट्स, अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो यहाँ पे आप इसको 1 एडल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स दिखेंगे जिसके अलग अलग रेट्स हैं, और ये काफ़ी अच्छी होटल्स हैं लेकिन इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँगा इसको और मैं इस पर सर्च करूँगा चीपेस्ट फर्स्ट। तो जितने भी सस्ती होटल्स हैं वहाँ से ये लोग स्टार्ट करेंगे, जो सबसे सस्ती होटल है। तो पूरे बाली में 300 रुपये से होटल स्टार्ट होती है, जो बढ़ते बढ़ते 50,000-1,00,000 तक जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मेरे बजट की होटल ढूंढनी है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ये होटल में रुका हुआ था सुखा बीच इन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जाने से पहले और एक चीज़ दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आपको एक और एक ऑप्शन दिखेगा फ़िल्टर का। फ़िल्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, जैसे पेड होटल, फ्री कैंसलेशन। आपको कोई किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, विला, होमस्टे, गेस्ट हाउस, हॉस्टल। अगर आप बैकपैकर्स हैं तो आप हॉस्टल पे जाइए। अगर आप फैमिली के साथ आए, अगर बड़ा फैमिली है तो आप विला ले सकते हैं। अगर आप कपल है तो आप होटल्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा कि आपको कितने रेंज तक के होटल्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये सिलेक्ट करते हो तो आपको 2,000 रुपये तक की होटल्स इसमें दिखाई देगी। अगर आप 2,000 से 4,000 करते हैं तो आपको 4,000 तक की रेंज की होटल्स आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद आप रेटिंग्स भी देख सकते हो होटल के, कि आपको अगर 3 स्टार होटल में रहना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एमेनिटीज़ है। अब अभी हम ये सब नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे होटल में आते हैं सुखा बीच इन, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। उसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्री कैंसलेशन टिल June 9। ओके, ठीक है। वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उस होटल में, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्ड्री है, आउटडोर एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, और सबसे बढ़िया बात, इसका रेटिंग है 3 आउट ऑफ 5।
और रेट है 535 rupees पर नाइट. कैन यू बिलीव? आउट ऑफ इंडिया, बाली जैसी हनीमून प्लेस, और वहाँ पे आपको 550 rupees में एक रात रुकने को मिल रहा है. इससे बेहतर आपको क्या चाहिए, जिसमें आपको स्विमिंग पूल है, एसी है, सब कुछ मिलेगा. आपको रूम सिलेक्ट करना है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे. 535, 600 rupees, स्टैंडर्ड एसी रूम 1000 rupees में. आपको कोई भी सिलेक्ट करना है इसमें, जैसे जिस कैटेगरी का रूम चाहिए आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है और आपको इसमें प्रोसीड करना है. ये 6 days का आपको 4000 rupees दिखाएगा, सॉरी 7 days and 6 nights. इसको प्रोसीड करेंगे तो आपका होटल बुकिंग हो जाएगा. तो एकोमोडेशन के बाद हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की. जब कभी भी हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो एक हमारा एक कंसर्न ये भी रहता है कि हम वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रैवल एजेंट तो हमें एक गाड़ी दे देता है, एक ड्राइवर दे देता है जो आपको पिक एंड ड्रॉप करता है एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एनी अदर प्लेस, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. बट अगर आप अपने आप से ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा अवेलेबल है. अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन सा आता है? टैक्सी, बस, ट्रैम्स, मेट्रो, ट्रेन, मोटरबाइक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आपको रिसर्च करना है. आपको ये भी एक देखना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से टूरिस्ट लोगों के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टूरिस्ट के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देना है, क्योंकि वो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं थाईलैंड गया था तो मैं बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरा था. वहाँ से मुझे एक्चुअली जाना था पटाया. तो पटाया के लिए काफ़ी सारे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे. एक तो था मैं टैक्सी से जाऊं, जो मुझे इंडियन रुपीस में 2 से 2500 rupees पड़ रहा था. दूसरा एक ऑप्शन वहाँ पे ये था कि वहाँ के गवर्नमेंट की बस है जो यहाँ वहाँ से आपको बैंकॉक से पटाया ले जाती है. उसका कुछ था चार्ज कुछ 120 baht, जो इंडियन रुपीज़ में अगर आप काउंट करोगे तो 250 से 300 rupees होता है. तो आप सोच सकते हो मेरा कितना पैसा वहाँ पे मैं बचा सकता हूँ. तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है. आपको एक रिसर्च करके जाना है कि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. दूसरी चीज़, जब मैं पटाया गया था, मैं वियतनाम गया हूँ, मैं बाली गया हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक अगर मोटरबाइक टैक्सी दी जाती है, मतलब कि आप उसको रेंट पर ले सकते हो. अगर आपको बाइक चलाना आता है तो आप वो मोटरबाइक टैक्सी जो आपको देते हो वो आप रेंट पर ले लो. वो क्या होगा, वो आपको 300 से 400 rupees पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगी. लेकिन उसके थ्रू आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो. आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे टैक्सी से ट्रैवल करते हो या अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा. उससे अच्छा है मोटरबाइक टैक्सी ले लो, आप एक अपनी खुद की बाइक ले लो रेंट पे. 400 से 500 rupees ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 rupees होगा एक दिन का. चलो अगर मैं कोई कोई आपको अगर 600-700 में भी दे दे, फिर भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा. वो आप ले लो, वो लेके आपको जहाँ मर्जी चाहे आप वहाँ पे घूम सकते हैं. उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम चला सकते हो. काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर भी दे देंगे. ठीक है दोस्तों, रिसर्च बहुत मायने रखता है, ट्रस्ट में. जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ पे मैंने एक कार रेंट पे ली थी. तो मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता था मैं अपनी कार से ट्रैवल करता था, जो मुझे काफ़ी सस्ती पड़ रही थी कंपेयर टू टैक्सीज, क्योंकि टैक्सीज वर हाईली एक्सपेंसिव इन साउथ अफ्रीका. जब मैं पेरिस गया था तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर मेट्रो से ट्रैवल करता था या फिर बस से ट्रैवल करता था, जो काफ़ी चीप रेट में पड़ रहा था मुझे. जब मैं एम्स्टर्डम गया था तो वहाँ पे मैं ज़्यादातर साइकिल पे ट्रैवल करता था, एक जगह से दूसरी जगह मैं साइकिल पे जाता था. तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसर्च करना है उस जगह के बारे में, वहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इजीली और चीप रेट में अवेलेबल है उस चीज़ के बारे में. अगर वो आपने कर लिया तो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी बच जाएगा, ट्रस्ट में. इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक आईडी पे. दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है. अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कहीं घूमने तो जाओगे, तो साइट सीइंग प्लेस यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पे क्या है वो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल में जाना है. ठीक है, अब मान लो कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मुझे दुबई जाना है, तो मैं वहाँ पे क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्या साइट सीइंग प्लेस है, वो मुझे चेक करना है. तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे मैं सर्च करूँगा top 10 places टू सी इन दुबई. दुबई में देखने लायक 10 अच्छी चीज़ें. यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स हैं, इसमें से मैं कोई भी एक लिंक पे जाता हूँ. 25 top rated टूरिस्ट अट्रैक्शन दुबई. ओके, बुर्ज खलीफा है, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दुबई मॉल है, दुबई म्यूज़ियम है, या आप नीचे जाते जाए आपको काफ़ी सारी प्लेसेस है दिखेंगी इसमें. अब क्वेश्चन ये आता है
कि आप ये जगह पे जाएंगे कैसे, मतलब कि यहाँ की टिकट्स आपको कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका नाम है क्लुक, KLOOK क्लुक। इसको आपको ओपन करना है। बेसिकली ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के पासिस सबसे कम दाम में मिलेंगे। जी हाँ, सबसे कम दाम है, इससे कम रेट में आपको कोई ट्रैवल एजेंट भी नहीं दे पाएगा, ट्रस्ट में। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है दुबई, मैंने अपना डेस्टिनेशन डाला है दुबई। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, थीम पार्क, अट्रैक्शन, एक्टिविटीज़। मैं थीम पार्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे थीम पार्क्स के आपको ऑप्शन दिखेंगे। फरारी वर्ल्ड इज़ द बेस्ट वन, मैं फरारी वर्ल्ड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको टिकट के रेट देखेंगे 5,000 रुपीज़। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करोगे तो आपको ये 6,000-6,500 से कम में नहीं देगा। उसके बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, आपको अपनी डेट सिलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अभी इसमें मुझे लॉगिन पूछ रहा है, लेकिन अगर आप लॉगिन आपका ऑलरेडी है तो आप अंदर जाएंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन पूछेगा। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको एक वाउचर आएगा। ये वाउचर लेके जब कभी भी आप उस जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये वाउचर लेके अगर दुबई जा रहे हो और फरारी वर्ल्ड में जा रहे हो, उस डेट को आपको वहाँ पे जाना है और ये वाउचर दिखाना है, तो आपको उसमें वहाँ पे वो लोग काउंटर से आपको दूसरा उसके बदले में टिकट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी जगह पे, कोई भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ के जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ के टिकट्स हम इसके थ्रू बुक कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। देखिए, जब कभी भी हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमें इंडियन खाना जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियन है, जिसको नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, जो लोग खाते ही नहीं है, उन लोग के लिए फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ से ढूंढे। या फिर जो लोग नॉनवेज खाते भी है लेकिन वहाँ का नॉनवेज उनको पसंद नहीं है, वो लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ से ढूंढे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे सर्च करते हैं। आइए, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स कैसे ढूंढने मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो आपको यहाँ पे सर्च करना है इंडियन रेस्टोरेंट्स इन मलेशिया। यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स ओपन होगी, आपको कोई भी एक लिंक पे जाना है। तो मलेशिया में जितनी भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। आप इस होटल का एड्रेस ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप जब कभी भी अगर मलेशिया ट्रैवल कर रहे हो, आपको वहाँ पे ये रेस्टोरेंट ढूंढ के आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। आपको अगर इसका एड्रेस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको गूगल मैप पे जाना है और उस होटल का यहाँ पे एड्रेस डालना है। इसका गूगल मैप का और एक फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए आप मलेशिया गए हो या कोई भी कंट्री में गए हो, आपको अपने विसिनिटी में, आपके एरिया में अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिर्फ एक सर्च करोगे इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आपके एरिया में जितनी भी इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अब जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मुझे मेरे एरिया के रेस्टोरेंट शो कर रही है। आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी कंट्री में, कोई भी जगह पे, तो आपको आपके आसपास के रेस्टोरेंट शो करेगी। और सिर्फ रेस्टोरेंट से नहीं, आप इसमें पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, कुछ भी आपको सर्च करना है, कोई होटल है, तो आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। अगर वो प्लेस गूगल मैप पे अवेलेबल है तो आपको उसका मैप जो है, उसका जो रास्ता है, वो आपको दिखाएंगे। तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप बात करते हैं लैंग्वेज की। मैं अभी तक तकरीबन 10 कंट्री घूमा हूँ, ठीक है। और जिसमें थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, बाली आता है, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो अगर मान लो आप रास्ते पे कहीं जा रहे हो, आपको किसी को पूछना है कि भैया ये रेस्टोरेंट कहाँ पे, ये या जगह कहाँ पे है, ये दुकान कितने बजे बंद होगी, मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर कहाँ पे है, ये सब चीज़ों में आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, क्योंकि उनको तो इंग्लिश आती नहीं और आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है या अपने गूगल क्रोम में जाना है। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम में। अब मान लीजिए कि आप पेरिस गए हो, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे सब लोग फ्रेंच में बात करते हैं, लेकिन आपको तो फ्रेंच आती नहीं, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन। तो आपको ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में आपको जो भी पूछना है, मान लो कि आप वहाँ पे स्ट्रीट पे चल रहे हो, आपको किसी लोकल एड से कम्युनिकेट करना है, आपको उसे पूछना है कि भैया यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिख के उसे बता सकते हो, वेयर इज़ एन इंडियन
रेस्टोरेंट, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेंच में कन्वर्ट होके दिखेगा, ये फ्रेंच में ट्रांसलेट हो गया है जो भी आपने उसको पूछा है, वो ये देख के समझ जाएगा कि आप उसे क्या पूछना चाहते हो। अब उसे इंग्लिश अगर नहीं आती है तो वो आपको फ्रेंच में आंसर देगा, लेकिन आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको उसे बोलना है कि भैया तू अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख। वो आपको बताएगा कि भैया इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके इंग्लिश में आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। तो इससे आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा और आप कहीं पर अटकोगे नहीं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने की ट्राई की है, और पॉसिबल इसमें मेरे से कुछ छूट गया होगा या मैं कुछ भूल गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशन है या आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई सजेशन है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करें। इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो पर मुझे 1000 लाइक मिल रहे हैं तो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, सिर्फ 25,000 रुपये में आप थाईलैंड कैसे घूम सकते हो। जी हाँ, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।